ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45, मैंग्रोव्स कवर अबाउट 0.5% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल इंडिया ऑफ इंडिया। यस, अगर हम बात करें पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का, तो उसमें से सिर्फ 1% भी, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.15% भी आता है। ठीक है, दैट इज ट्रू। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है गाइस। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंग्रोव्स और जगह भी हैं, नॉट नॉट जस्ट, हाँ गुजरात साइड भी है। सो या, बट आंसर वुड बी सी, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेल घाट। अभी मेल घाट क्या चीज़ है, मेल घाट के बारे में आपको पूछा गया है, और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट सेज, मेल घाट जो है ये लोकेटेड है गाइस, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे ये मेल घाट एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज ट्रू, ये तो सही है, मेल घाट इट इज अ टाइगर रिजर्व। नर्मदा रिवर फ्लो करती है नॉर्दर्न साइड से मेल घाट सेंचुरी से, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ शूट ऑफ सतपुड़ा रेंज कॉल्ड ग्वालीगढ़। आप जानते ना यहाँ पे जैसे सतपुड़ा है, जैसे वी हैव विंध्यास, फिर वी हैव सतपुड़ा, सतपुड़ा का साउथ ऑफशूट क्या है, सतमाला, ग्वालीगढ़, अजंता, ऐसे चलते हैं ना, तो ऐसे में जो ग्वालीगढ़ हिल्स है उनका ये उसके अंदर लोकेटेड है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर वुड बी सी, तीनों के तीनों इसमें सही है, इसको इसमें डाउट ही नहीं है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन साइड में से करेक्टली मैच नहीं है। देखो यार, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे उसको, इसको थोड़ा बार बार आपको ना, यू हैव टू कीप अपडेटिंग ऑल्सो, आपको अपडेट रखना पड़ेगा डेटा, कुछ भी स्टेटस चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत डायनेमिक टॉपिक है। लेकिन जो कोई भी बायोडाइवर्सिटी, कुछ भी अगर न्यूज़ में आ जाए, तो उस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। सो आपको इनमें से चूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आंसर इसमें होगा सी। एशियाटिक एलिफेंट एंडेंजर्ड है, सब जानते हैं, ट्रू। घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक स्टेप और ज़्यादा एंडेंजर में, ट्रू। डुगोंग वल्नरेबल, ट्रू। हिमालयन ताहर एक्सटिंक्ट नहीं है, हिमालय इट इज़ नॉट एक्सटिंक्ट, इट इज लिस्टेड इन नियर थ्रेटेंड, अभी थ्रेट में है, नियर थ्रेटेंड है, राइट। हाँ, सो यस दैट्स ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में बताना और कौन सा करेक्ट है वो भी बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द चिंगम नेशनल पार्क, इट इज नोन फॉर हंगुल। द चिंगम नेशनल पार्क के अंदर क्या है, हंगुल है, बिल्कुल सही है, कि द चिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और हंगुल का नाम है कश्मीरी स्टैग, तो कश्मीरी स्टैग बोलो, हंगुल बोलो, ये डियर की तरह होता है, और इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, दिस इज सी ई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इट इज। दूधवा नेशनल पार्क, इट इज मेनली, इट इज नोन मेनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड फॉरेस्ट स्पीसीज, क्या ऐसा है, देखो ये उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, तो क्या ऐसा ऐसा उसके लिए जानते हैं, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट से लेके बजाई ग्रासलैंड से लेके मडी फॉरेस्ट, सब तरह की यहाँ पे टॉपोग्राफी है, ये खुद एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सबके लिए नहीं, दिस लाइक ए टाइगर रिजर्व इट इज। सो टाइगर जो दुधवा नेशनल पार्क है ये यूपी में है, जो कवर करता है एरिया, दिस इट इज एक्नॉलेज एज मोस्ट एंडेंजर्ड इकोसिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो फॉरेस्ट नॉट जस्ट एंडेंजर्ड, लाइक मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड वालों को ज़्यादा फोकस करता है, सो दिस सेकेंड इज नॉट करेक्ट, सो यू कैन एलिमिनेट नंबर टू एंड यू विल गेट द आंसर एज नंबर बी, जो हमारा आंसर है। साइबेरियन बर्ड्स एसोसिएटेड विद कोलोराडो सेंचुरी, येस दैट इज ट्रू। क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो नामडाफा नेशनल पार्क, वो कहाँ पे गाइस, वेयर दिस नामडाफा नेशनल पार्क इज, येस एनी वन, प्रिया मोरे, या इट इज ऑल्सो ट्रू, आखिरी वाला इज ऑल्सो ट्रू, नामडाफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, नहीं बी सही है, बट मैंने पूछा नामडाफा कहाँ है, नामडाफा तो अरुणाचल में है ना, ये फेमस तो याद रखने ही पड़ेंगे, नेशनल पार्क और ये सब तो आपको फेमस तो सबके ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसको याद जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपको बताना गाइस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, इट इज लोकेटेड
at juncture of Great Himalayas and Zaskar range of Trans-Himalayas. So जो juncture है Great Himalayas और Zaskar range का उनके बीच में पड़ता है क्या Nanda Devi? पहली बात तो ये. Second में बोला गया, और देखो आप लोग जानते हो आपको correct choose करना है. First is true. हम बात कर Nanda Devi National Park की या Biosphere Reserve जिसको 1982 में बनाया गया था. वो नंदा देवी जो है उत्तराखंड के नॉर्थ में है और जो एंटायर पार्क है वो उसका एलिवेशन इज ऑलमोस्ट 3500. दैट इज ट्रू. और अगर हम बात करें इसके आसपास की अरेंजमेंट्स की, सो यहाँ पे बोला गया ट्रेडिशनल क्रॉप फ्रूट ये सब ग्रो करते हैं. हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ ग्रो करते हैं ट्रेडिशनल ग्रो. इसमें जो मेनली तो आप देखेंगे सो बफर जोन के रूप में बनाया गया. उसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल सब यहाँ सब कुछ यहाँ पे ग्रो होता है. दैट इज ट्रू. एंड सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसी नेशनल पार्क के अंदर जो नेशनल पार्क है नेशनल नंदा देवी सेंचुरी भी है जो कि एक ग्लेशियल बेसिन है सराउंडेड बाय रिंग ऑफ पीक. 6,000 meters की पीक है ड्रेन्ड बाय ऋषि गंगा थ्रू द ऋषि गंगा गॉर्ज स्टीप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डेफिनेटली. क्वेश्चन नंबर 50 इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. बहुत ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है उसके बारे में आपको पूछा गया है. सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के बारे में बात हो रही है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सुंदरबन. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन मैंग्रोव ऑन द ग्लोब आफ्टर ब्राजीलियन कोस्ट. ब्राजीलियन कोस्ट के बाद सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट पे सबसे बड़ा कंटिन्यूअस मैंग्रोव है ये वाला. इज दैट ट्रू इज दैट फॉल्स आपको डिसाइड करना है. But that is false. That is false. So इसलिए आंसर भी इस बार यही होगा, यही आंसर होगा. Largest continuous area of this forest, it lies in and around Sundarban National Park. Sundarban mangroves in Bangladesh, which are both recognized by UNESCO as a World Heritage Sites. दोनों इस केस में गाइस सही ही होगा, right? Both will be correct. So first वाला is correct नहीं है, बाकी तो तीनों एकदम सही है. Tourism के ऊपर भी फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे बफर जोन का बनाया गया सुंदरबन रिप्रेजेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव. यस, और ये सुंदरबन का डेल्टा का नाम कैसे पड़ा गाइस? एनीवन, हाउ डू वी गॉट द सुंदरबन डेल्टा का नाम? एनीवन? बिल्कुल, वी हैव अ ट्री स्पीसीज, खास करके एक पेड़ है जिनका नाम है सुंदरी ट्री. सुंदरी ट्री है ये, इनकी वजह से हमें डेल्टा का नाम या उस एरिया का नाम रखा गया सुंदरबन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो मैंग्रोव है ना जो हमारे मैंग्रोव स्पेशल टाइप ऑफ मैंग्रोव है. दे आर सुंदरी ट्री, स्पेशल टाइप ऑफ वाइल्ड. गाइस एनी डाउट अप टू हियर? वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 50. 50 क्वेश्चन तक किसी को कोई भी डाउट?